हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी जो कि है लाल मिर्च के अचार की। तो आज मैं डालने जा रही हूँ मोटी वाली लाल मिर्च का अचार। वैसे तो मैं एक बार पहले इसे डाल चुकी हूँ, तब मैंने साबुत लाल मिर्च का अचार डाला था, लेकिन आज क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हर किसी को पूरा बड़ा मतलब लाल मिर्च साबुत नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत तीखी होती है, चटपटी एकदम नहीं खाई जाती है। तो इसके लिए आज मैं इसे क्या करूँगी कि काट के छोटा छोटा बनाऊंगी कि जिसको जितना चाहिए उतना, मतलब छोटे स्मॉल पीसेस में, तो वो खाने में भी आसान और बर्बाद नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस हरी लाल मिर्च को पहले ही अच्छे से धो के और 4 घंटे करीब धूप में, तेज़ धूप में सुखा लिया। उसके बाद अब मैंने एक तरफ अपने काम के लिए शुरू कर दिया है, कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पे और उसमें मैंने डाल दिया है तेल, करीब 2 बड़े जो हमारे करछी होती है, करछी से तेल, सरसों का तेल। और इधर मैं लाल मिर्च को जो है इसके डंठल निकाल के अलग कर दूंगी, और डंठल निकालने के साथ ही इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगी। तो कट करने के बाद इसमें जो है फिर मसाला वगैरह ऐड करके तब इसका बढ़िया और सुपर टेस्टी अचार बनेगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ये अचार मैंने इसी बार डालना शुरू किया है और इस अचार को खा के ना मतलब एकदम बहुत अच्छी सी मतलब मज़ा आया था इसे खा के, चटपटा और तीखा इतना बढ़िया होता है। और बाज़ार से हम ख़रीदने जाएं तो कम से कम 300 रुपये किलो मिल रहा है आजकल अचार, तो उसी को मैंने सोचे यही सोचते हुए कि चलो क्यों ना घर पर भी ट्राई किया जाए। और उसमें ज़्यादा ही कुछ मतलब वो डालते हैं केमिकल वगैरह उसे स्टोर करने के लिए, तो उतना हम नहीं डालेंगे और घर का शुद्ध बना ताज़ा अचार है इसे हम खाएंगे। तो मैंने क्या किया, ये लाल मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ठीक ठाक पीसेस में। और इसके बाद मैंने इसके लिए लिया है साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच मसाले के लिए, और 2 बड़े चम्मच लिए है मैंने सौंफ, और 1 चम्मच लिया है मैंने जीरा, और 1 चम्मच लिया है मैंने मेथी, और 1 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्च। अब हम क्या करेंगे, इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई रोस्ट करने के बाद इन्हें खूब अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है जिससे कि इनमें कड़ुआपन आ जाता है। तो हल्का हल्का मतलब भून के जो कि इनका रंग थोड़ा सा बदलने लगे तो इनको निकाल लेंगे, ठंडा होने के बाद इनको पीस लेंगे। और इधर मैंने ली है पीली सरसों, उसको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी और इसको भी ड्राई रोस्ट करें, ये मैंने ली है करीब 2 बड़े चम्मच। और इसके बाद हम इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करके ठंडा होने के बाद पीस लेंगे, और पीसने के बाद एक बॉल लेंगे, बॉल में इनको अच्छे से मिला लेंगे। और साथ में मैंने डाली है इसमें कलौंजी, कलौंजी बहुत ज़्यादा मत डालिए क्योंकि बहुत कड़वा टेस्ट देती है फिर ये ज़्यादा हो जाए तो मैंने सिर्फ 1/2 चम्मच करीब कलौंजी ली है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और साथ में अब हम इसमें और अपने मसाले मिलाना शुरू करेंगे, जैसे कि मैंने ली है 1/2 चम्मच अजवाइन, अजवाइन भी इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर देती है। और इसमें हम डालेंगे काला नमक, थोड़ा काला नमक, आधा छोटा चम्मच करीब काला नमक, और हम वैसे इसमें वाइट नमक भी डालने वाले हैं इसलिए काले नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच करीब हींग, हींग डालने से फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और ये एकदम डाइजेस्टिव बढ़िया हो जाएगी। और ये ना किसी भी, और ये साथ में हम डालेंगे सफ़ेद नमक जो हमारा रेगुलर नमक होता है वो, ऐसे किसी भी रेसिपी मतलब दाल सब्जी चावल किसी के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे पास जो पहले की पड़ी है साबुत लाल मिर्च का अचार, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, वो पहला लॉट ख़त्म हो गया। ये मैंने डाल दी है अब हल्दी, और ये ऑलरेडी इतनी तीखी होती है तो इसमें अलग से लाल मिर्च ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी बहुत मैं इसमें जो है देगी मिर्च डालूंगी सिर्फ, वैसे तो ये ऑलरेडी लाल है लेकिन थोड़ा सा देगी मिर्च डाल के हल्का सा इसमें मिर्च का फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा और थोड़ा अच्छी लगेगी खाने में। ये सब मिला के अच्छे से मसालों को करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स, और इसके साथ में हम इसमें ऐड कर लेंगे अब अपनी जो लाल मिर्च हमने काट के रखी हुई है वो। तो इन लाल मिर्चों को हम इसमें खूब अच्छे से चला लेंगे, हिला लेंगे, जिससे कि ये जो है लाल मिर्चें मतलब सारे मसाले लाल मिर्च के अंदर चले जाएं। और मुझे लगने लगा था जैसे कि मेरा ये बाउल छोटा पड़ गया है, तो अब मैंने क्या किया, इसमें साथ में हम डाल लेंगे थोड़ा तेल जो मैंने गरम किया था, हल्का अभी गुनगुना ही है तो हमको हल्का गुनगुना ही तेल मतलब रखना है, क्योंकि हमारा तेल गरम तो अच्छे से था ही, अब इतनी देर में वो भी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसमें अपना तेल ऐड कर लेंगे, और
और तेल ऐड करते करते मुझे लगा अब मिक्स करने के लिए तो कुछ जगह बची नहीं रही है, अब क्या किया जाए। तो अब मैंने वापस से ये सारा मसाला इसी कढ़ाई में डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इसमें तेल भी लग जाएगा हमारी मिर्चों में और मसाला भी अच्छे से चला जाएगा। तो अब हम इसे अब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मिक्स होने के बाद हम इसे वापस बाउल में ट्रांसफ़र करके एक दो दिन इसे धूप दिखाएंगे। और लगभग मतलब तीन दिन भी अगर हम इसे धूप दिखाते हैं और एक दो दिन घर में नीचे मतलब अपने पास भी रखते हैं बिना धूप के भी, तो भी ये 4-5 दिन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और सारे के सारे मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाएंगे, तो इसका फ्लेवर और इनहेंस हो जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी, मैं खुद तो दोस्तों मेरे इस प्यारे से काम के लिए आपकी तरफ से एक लाइक तो मिलना ही चाहिए।